एवं श्री ललिता देवी नाम सहस्रम तरु इति ब्रह्मांड पुरे पुराणे उत्तरकंडे हई श्री हयग्रीव अगस्त्य संवादे श्री ललिता रहस्य नाम स्तोत्र कथनम नाम द्वितीय अध्याय समाप्त माणिक्यवीनाम बलालयन्ति मदालसां माग्विलासां महेन्द्रनिति कोमलाङ्गीं मातङ्ग कन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतन्ते कुचोन्नते कुङ्कुमदाघचोणे कुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पपाकी बोलो बोलो गौरी परमेश्वर की। अभी हम लोग खड़े हैं गणसिंह माता श्री गौरी सेवा संगम में। आज गौरी परमेश्वर का दीपाल आराधना है। इस कार्यक्रम में हमारे भरतपुर के MLA साहब प्रदीप सरकार जी आए हैं। उनके गौरी संगम के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ और उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं पहले गौरी पूजा कमेटी को धन्यवाद दूंगा। कमेटी का मेम्बर हमारा बहुत खुशी का बात है कि जो मंदिर है वो मेरा वाजनी गुप्त है। तो ये कमेटी का हर मेम्बर से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छा है। हर बार जरूरी है गौरी माता का पूजा होता है दिया आता है। ये मंदिर जब हम 15 साल में आया था मंदिर कमेटी को उससे मेरे को कुछ काम भी बुला गया था जगह में उठा उन्होंने से जितना क्षमता हुआ शक्ति हुआ मैं कर दिया। हम लोग जो सरकार में रहते हैं केजरीवाल जी और सरकार में हम लोग कभी आते हैं काम करने के लिए किया तब पर भी बोलने का बाधा नहीं। हम लोग चाहने से भी बहुत काम नहीं कर सकते तब पर लड़ाई करके हम लोग जितना तक हुआ हमने काम किया। आज मेरा विश्वम भगवान का आशीर्वाद में कंपनी वार्ड में बहुत मंदिर है बालाजी मंदिर है माता मंदिर है नवीन मंदिर है शंकर मंदिर है बहुत मंदिर है। तो हम लोग जितना तक कोशिश किया हर मंदिर पर जितना लाइट हो कहीं रास्ता का प्रॉब्लम हो कहीं पानी का हो सॉल्व किया। आज वहाँ पर तो बहुत खुशी कर रहा है दिया जलाने का प्रोग्राम है। उस दिया जलाने का माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कसुबा शक्ति का विनाश हो उनका का ये हो ये वाला के लिए हमारा खड़गपुर वासी गौरी माता पूजा करने के लिए दिया जा रहा है। मैं भगवान सोचता हूँ अपने आप को मुझे कमेटी का ओर से आज पहला दिया हमारे हाथ से जलाएगा इसलिए मैं कमेटी का मेम्बर से आभारी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा दिनों में हम लोग सब मिलकर जो आज दिया जलने के माध्यम से उनकी छठ पूजा भी आ रहा है कल छठ पूजा सबको मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से अभिनंदन देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। तो आज एक ही है कि खड़गपुर मिन इंडिया हर भाषा भाषी आदमी रहता है हर भाषा को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं हर पर्व को हम लोग मनाते हैं। जैसे आज हम लोग गौरी माता का पूजा कर रहे हैं कल छठ पूजा करेगा कुछ दिन बाद जगदत्री पूजा करेगा इसका पहले काली पूजा गया दीपावली गया दुर्गा पूजा गया ये मिन इंडिया का एक खुली है। दुनिया पे हम हर आदमी जैसा इंडिया में रहता है ऐसा महसूस करता है हर रंग मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज दिया जलाने का जो होगा इसके लिए असुर शक्ति का विनाश हो गया आज भगवान से नहीं पाता मगर मैं वहाँ जितना जल्दी वो खड़गपुर शहर बंगाल इंडिया से करोना को मुक्त करके फिर आने वाला तो नया जिंदगी फिर से आएगा यही मैं पाता हूँ। धन्यवाद सरकार गौरी संगम को और आने वाली छठ पूजा को शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।